हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी यमा R15M मोस्ट लोडेड बाइक। उत्तराखंड की सबसे मोस्ट लोडेड यमा R15M बन चुकी है ये गाइस, बिकॉज इसमें हमने सारा काम करा दिया है। और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि हमने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया है और कैसे फिट किया है मैंने इसको। सारे इंस्टॉलेशन मैंने खुद किए हैं फ्रेंड्स, और आप देख ही चुके हैं कि बाइक क्या रोला लग रही है। जो मॉडिफिकेशन हमने किया, सारा जेन्युइन मॉडिफिकेशन किया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रही कि जिससे कोई बाइक का नुकसान हुआ है, और कोई भी ऐसे पार्ट्स नहीं लगाए गए कि जिससे हमारी बाइक को कुछ नुकसान होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ दिखाता हूँ जो हमने सबसे लास्ट में मॉडिफाइड किया है, वो है इसका सीट कॉल। और देखिए क्या रोला लग रही है, और जो डिज़ाइन दिया गया है ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऐसा सीट कॉल मैंने खुद चूज़ किया है, क्योंकि इससे हम की डाल के आराम से इसको सीट रिमूव कर सकते हैं जब चाहे, जब हमारा मन हो। और ये मैंने स्टिकरिंग की है, जो सिल्वर लगाया है, ये पूरा प्योर ब्लैक था, शाइनिंग ब्लैक में। और ये सीट कॉल पूरा कंप्लीट लास्ट तक कवर करता है। आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इसका रियर से लुक दिखाता हूँ मैं। ये देखिए क्या लुक लग रही है, गाड़ी में परफेक्ट सूट हो रही है। और हर एंगल से आप देखेंगे तो एकदम बॉडी फिटेड लग रही है ये। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा, जो कि मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बहुत इजीली फिट हो जाता है, बस इसमें जो जिगजैग टाइप के वो होते हैं चिपकाने वाले, वो सीट में फंसाने पड़ते हैं सीट खोल के, और इजीली आपको ये आराम से फिट कर दोगे, खुद ही आप घर पे इसको फिट कर लोगे। एक और न्यू काम किया हमने इसमें फ्रेंड्स, ये जो नंबर प्लेट देख रहे हैं, मैंने चेंज किया है आरटीओ वाला, और मैंने ये 3D नंबर प्लेट बनवाया है। बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसमें। और नीचे हमने अपना लोगो लगा दिया, अपने चैनल का नाम डाल दिया, एरी यूके राइडर, जो और बढ़िया लुक दे रही है। और फ्रेंड्स, ये जो नंबर प्लेट है टेल टीडी में लगाया हमने, और इजीली फिट हो गया है। और आपको पता है, ये जो टेल टीडी मैंने लगवाया था वो एडजस्टेबल वाला है, इसको हम पीछे भी कर सकते हैं और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से आगे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगेगा आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। और बहुत प्यारा लुक दे रही है ये। और एग्जॉस्ट के बारे में तो आपको मैंने बताया है पहले, आपने पहले वीडियोस में देखा है, ये एग्जॉस्ट R9 का है, और ये बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है। इसमें साथ में DB कलर भी मिल जाता है, और इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, मैं इसका साउंड सुनाऊंगा अभी आपको। और ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, जो कि मैंने खुद फिट किया है, ठीक है। ये यहाँ से इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट निकल जाता है, यहाँ से इसका सेंसर रिमूव करना पड़ता है, और जो मेन पॉइंट है सब आपको पता है, वहाँ से फुल खोल कर आप एग्जॉस्ट इसको निकाल लेंगे ओरिजिनल, और ये पूरा बैंड पाइप के साथ में यहाँ से पूरा कम्प्लीटली फिट हो जाता है। तो इसका एक बार हम साउंड सुन लेते हैं, इसका नॉर्मल साउंड है फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा रेस देंगे तो काफी बेसिक साउंड है। ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जॉस्ट है, जो अगर आप नॉर्मल चलाएंगे, आप इसको रेस नहीं देंगे तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगा, जब आप इसको रेस देंगे तो ये बहुत बेसिक हो जाता है और बहुत भयंकर हो जाता है। तो अब हम आगे आते हैं। एक चीज़ हमने एक और न्यू चीज़ लेकर आई है, ये है एडजस्टेबल ब्रेक लीवर। ये मॉक्सी का है, ये नॉर्मल वाला है, ये फोल्डेबल वाला नहीं है। ये 900 रुपीज़ का पड़ा है, और फोल्डेबल वाला 1400 रुपीज़ का था। ये मैंने PGX ऑटो से ऑर्डर किया, और ये बहुत अच्छे लुक दे रहे हैं, और बहुत काम की चीज़ भी है यार। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सिंपल से चीज़ है, साइड विंग्स है, छोटा सा साइड विंग्स है। ये 350 रुपीज़ का है, अमेजन से ऑर्डर किया था, ये प्रोजेक्ट मोटर आर्ट का है। और ये बहुत अच्छे लुक देते हैं, जब दोनों साइड से लग जाएंगे ना तो कुछ इस टाइप से लुक देंगे आपको। और ये विंगलेट है, ये 700 रुपीज़ का पड़ा था PGX ऑटो से, शायद अभी रेट बढ़ गया होगा। और ये प्लग इन प्ले सिस्टम है, और दो नट लगते हैं यहाँ पर इसका, नीचे आपको दिखा दूँ मैं, एक ये, दो स्क्रूज लगते हैं, एक वो स्क्रूज, और दोनों स्क्रूज खुलेंगे जो कि पहले से होते हैं बाइक में, वो खुलेंगे और ये डायरेक्टली फिट हो जाएगा। ये ZX10R का मिरर है, जो कि 2800 रुपये की MRP है, आपको 2700 का भी मिल जाएगा अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो दिल्ली में, और डिलीवरी चार्ज वगैरह अलग होते हैं। और ये बहुत इजीली फिट हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। साथ में वायर होता है जो इंडिकेटर के साथ जाएगा, वो आराम से यहाँ पर देख रहे हैं ये वायर, ये मैंने अंदर में यहाँ से डाल रखा है। आप इसको ओपन करेंगे, जो स्टॉक वाला मिरर को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर आपको होल दिख जाएगा, तो हल्का सा आप इसको पुश करेंगे ना तो ये वायर अंदर चला जाएगा, जगह मिल जाती है। इसमें घबराना नहीं, इजीली फिट हो जाता है, कोई ड्रिलिंग वगैरह नहीं करनी है, कहीं छेद मत करना बॉडी में, आराम से डायरेक्टली वहाँ पर जगह बनी हुई है तो तार अंदर चली जाती है और सीधे
यहाँ से इसको खोल के हम इंडिकेटर फिट हो जाएगा हमारा, जहाँ पर इंडिकेटर पॉइंट है ना यहाँ पर, तो इंडिकेटर फिट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है। और ये देख रहे हैं, ये है बबल वाइज़र। ये बबल वाइज़र भी लमसम 800 रुपीज़ का पड़ा है, वो भी PGX ऑटो से मंगाया था मैंने। और ये भी बहुत ईजी है, खुद फिट कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, बस ये रिमूव करना है आपको, और ये भी रिमूव करने पड़ेंगे, तब स्टॉक वाला वाइज़र निकल जाएगा। थोड़ा हार्ड होता है निकालने के लिए। स्टॉक वाला वाइज़र निकालेंगे जब आप, तो ये भी यहाँ इधर से पुश करना, इधर से पुश करना, तो निकल जाएगा। और ये तो सिंपल डायरेक्टली फिट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, मैंने जो क्लच वाला लीवर एडजस्टेबल लीवर इसे नहीं लगाया, क्योंकि एक ट्रेजेडी हो गई। ये जो नीचे जो नट दिया गया है ना ये वाला, तो वो फ्री हो गया है, तो वो क्या है ना, इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं शोरूम गया था, शोरूम में ये वाला अभी है नहीं, तो जिस दिन ये आ जाएगा तो अभी मैं फ़िट कर लूँगा उसको भी। ये VR46 का टैंक पैड, और ये टैंक ग्रिप है हमारा, ऑटोलॉक डिज़ाइन का टैंक ग्रिप, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत काम की चीज़ है। जब आप चलाएंगे ना इसको, राइड करेंगे और आप पैर इसमें चिपका के करेंगे ना थाई को, तो आपको बहुत कंफर्टेबल राइड लगेगा, आप थकेंगे नहीं। तो दोस्तों ये सब मॉडिफिकेशन हमने कर रखा है अपनी बाइक में, अब बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी। ये स्ट्रॉबेरी इंडिकेटर लगाने के बाद और लुक आ गया, बिकॉज ये स्ट्रॉबेरी इंडिकेटर ना जो होल दिए गए, ये होल उसमें परफेक्ट फिट बैठ रहे। ये स्ट्रॉबेरी इंडिकेटर आपको PGX ऑटो से मिल जाएगा, 400 रुपीज़ का पड़ा था मुझे, अभी का प्राइस मुझे पता नहीं है। और ये बहुत सिंपल है फिट करना, कुछ नहीं होता है, बस आपको ना अंदर से ये पैनल खोलने पड़ेंगे, ठीक है, और ये फिट करके वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। सब मैंने खुद कर रखा है, आपको मेरे चैनल पे इसके इंस्ट्रक्शन वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये जो दिख रहे हैं आप टेल फ्लैशर, ये मैंने फ्लैशेक्स का फ्लैशर लगा रखा है, जो कि मुझे 800 रुपीज़ का पड़ा था, और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं से भी, मैंने टेक्नोकॉन स्टोर से मंगाया था। और ये इसका इंस्ट्रक्शन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फिट किया था। थोड़ा डिफिकल्ट है, हल्का सा, बस समझना पड़ता है जो पायर वगैरह दे रखे हैं, और वो इजीली फिट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मॉडिफिकेशन मैंने कर रखे हैं ना, सब जेन्युइन मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं कर रखा है जिससे गाड़ी बेकार लगेगी। जितने लोग ने मेरी गाड़ी देखते हैं तो वो बस देखते रहते हैं और वो तारीफ़ करते हैं कि भाई हाँ मॉडिफिकेशन जो किया आपने बहुत अच्छा किया रखा है। तो तभी गाइस हर कोई चाहता है कि अपनी बाइक को मोस्ट लोडेड बनाना, तो ये सब एक नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब देखो पैसा तो खर्च हुआ है, हर एक चीज़ में पैसा खर्च हुआ है, अगर आप मानोगे तो इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास में एक्सपेंसेस हमने कर चुके हैं जो मॉडिफिकेशन हमने किया है, लेकिन आपकी गाड़ी भी बन चुकी है। देखो स्टिकरिंग मॉडिफिकेशन अलग चीज़ हो जाती है कि हमने रैप कर रहे हैं या फिर हम इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, वो चीज़ अलग चीज़ है। और ये जेन्युइन मॉडिफिकेशन है कि जो हमने पार्ट्स ही लगा रखा, एसेसरीज लगा रखी है हमने, और ये हर कोई करता है अपनी। आप सुपर बाइक ले लो, हर एक चीज़ में जेन्युइन मॉडिफिकेशन ये होता है कि उसमें पार्ट्स लगाना, सीट कवर लगाना, मिरर्स लगाना, वाइजर लगाना, विंगलेट लगाना और एग्जॉस्ट लगाना, ये सब चीज़। और बाकी जो स्टिकरिंग मॉडिफिकेशन है, रैपिंग करना, वो अलग मैटर आ जाता है। हाँ वो उससे गाड़ी का लुक चेंज हो जाता है उससे भी। तो दोस्तों ये जो चीज़ कर रखी है मैंने, अगर आप इस तरीके से अपनी बाइक R15 V4 और R15 M को बनाएंगे तो ये एक बहुत प्यारी लुक लगेगी। और सीरियसली गाइस लोग आपको बहुत नोटिस करेंगे, बिकॉज ये बाइक बहुत सुंदर लग रही है। इसके सामने आप स्टॉक वाले को खड़ी करना तो इतना मज़ा नहीं आएगा जो इसमें अलग रहा है। ये काफ़ी अच्छी लग रही है, हैवी लग रही है। अब मैंने इसमें R15 M वाला स्टिकर भी रिमूव कर दिया है। तो गाइस सीरियसली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सी बाइक है यार, तो लगता है कुछ बहुत हैवी लग रही है। आप हर एंगल से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, सीट कवर लगाने के बाद तो लुक और बढ़िया आ गया। अब देख लो, आप किसी भी एंगल से देख लो, गाड़ी बहुत हैवी लग रही है। जब आप मॉडिफिकेशन करें, जब आप कोई भी एसेसरीज लगाएं, तो आप अपने आप करें या फिर आप कहीं पर ले जाएं, तो एकदम ध्यान से करें कोई भी चीज़। मतलब हमारी बाइक है तो संभालनी भी हमें ही है, ऐसा ना हो कि यार आदमी इसको फिट्स कर रहा है तो स्क्रैच वगैरह लगा दे और कहीं होल कर दे कुछ बिना सोचे समझे। तो दोस्तों बाकी आप हमारी बाइक को देख चुके हैं, जो जो हमने मॉडिफिकेशन किया है काफ़ी लोग को पसंद आया। और अगर आपको भी इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करना है और मुझसे कुछ जानकारी लेनी है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सारे वीडियोस मिल जाएगा मेरे चैनल पे आपको, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं हुए तो। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।